बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने दिल्ली में कहा कि झारखंड में नई शराब नीति की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नई शराब नीति से भ्रष्टाचार की बू आती है, अभी राज्य में सरकारी संपत्ति का दोहन हो रहा है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर कहा कि उनका मामला चुनाव आयोग में है और बीजेपी ऐसे ही हर भ्रष्टाचार को उजागर करती रहेगी। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बयान दिया है, सीबीआई जांच की मांग की है। झारखंड में नई शराब नीति पर सीबीआई जांच की मांग की है उन्होंने और कहा है कि इसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। शराब नीति को लेकर पहले भी कई सवाल खड़े हुए हैं और इस वक्त भी कई सवाल हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश बीजेपी की लगातार जारी। यहां के राजनेता की नई शराब नीति झारखंड के लिए एक नया भ्रष्टाचार का अध्याय लिखने वाला काम किया जा रहा है और इस शराब नीति के माध्यम से प्रत्येक दिन राजकीय कोष में भारी नुकसान हो रहा है। साथ साथ में जो बैंक गारंटी देने की जो शर्तें थी उसका भी उल्लंघन किया जा रहा है और ये छत्तीसगढ़ मॉडल और छत्तीसगढ़ में एक ऐसे व्यक्ति का योगदान है जो बीएसएनएल का पदाधिकारी है जिस पर ईडी के मुकदमे हैं। रायपुर के कोई दो जनप्रतिनिधि हैं उनका बहुत बड़ा षड्यंत्र है और साथ साथ में झारखंड सरकार के पदाधिकारी यहाँ के राजनेता जो सत्ताधारी दल में हैं वैसे लोगों के षड्यंत्र के कारण पूरी तरह राज्य के राजकोष में जो नुकसान हो रहा है उसके लिए उनको उनको जिम्मेवार मानना चाहिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।